प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों आज की मॉर्निंग प्रेयर को पूरा देखेंगे और इस मॉर्निंग प्रेयर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने हम मसीह लोगों के लिए संदेश दिए हैं और बहुत सारी बातें को बताया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे बातें कही हैं जिसको हम मसीह लोगों को समझना और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट वीडियो की ओर जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके संग साथ रहे। चलिए वीडियो देखते हैं। सिर पे हाथ रखें पवित्र आत्मा जी, जो आज परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इनके घर में किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाए परमेश्वर, आमीन। इनको बड़ी आशीष मिलने पाए आज रात और आशीषों के मालिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, आशीषों के मालिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू कर रहा है पवित्र आत्मा जी, आज बोलो मैं आशीषों का मालिक हो गया हूं आज, बोलो हालेलुया हालेलुया, मैं आशीषों का मालिक हो गया हूँ आज, मैं आशीषों का मालिक हो गया हूँ आज, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। हाँ, विश्वास करना आज पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन जब खुले इनके घर में आसे आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं, उद्धार, कितने लोग उद्धार, हाँ हाँ हाँ, उद्धार क्या होता है, उद्धार कितने लोगों को उधार देना है, हाँ कोई बताएगा, हाँ लड़की उधार, क्या तुम मुझे उधार दे सकती है, खड़ी हो, कितने पैसे बोलना, जितने आप, जोर से बोल, जितने आप क्या 50 करोड़ दे दे, उधार कितने दे सकती है, बोल बोल जल्दी, बोलती नहीं, जितनी तनख्वाह उसमें से बता दे, 500 1000 उधार क्या होता है, उधार पूछ रहा हूँ, जल्दी बोलो फटाफट, अजी किसी को क्या होता है उद्धार। आप सुनो, मैं प्रचार कर रहा था एक जगह पर, मैं कह रहा था कि कुछ लोगों को आज उद्धार मिलने वाला है मसीह के नाम में, उद्धार। लेकिन एक औरत खड़ी हुई कह रही कि 5000 से ज्यादा नहीं है मेरे पास, मैं उस उद्धार की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, उधार लेने वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में उद्धार की कमी होती है। उद्धार का मतलब क्या है, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, उद्धार का मतलब है उद्धार करता, सामर्थ देने वाला, बच्चा देने वाला, चंगाई देने वाला, शांति देने वाला, छुटकारा देने वाला, नया बिजनेस देने वाला, जॉब देने वाला, स्वर्ग का जीवन देने वाला, उद्धार करने वाला, आपको शांति देने वाला, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, करा के उद्धार करता, करा के आज वो आपके अंदर जन्म लेने वाला यीशु मसीह का आमीन, उद्धार करता, आपको समझना है। करा के बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में आज भी कोई आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर से उद्धार नहीं मांगते, हालेलुया। करा के बाइबल बताती है, करा के उद्धार कैसे प्राप्त होता है, दो बातें हम स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, करे कि आपको लिखनी है और कहनी है कि मुझे अपना, हाँ पढ़ो अशोक, उद्धार को पाने के लिए दो काम करें, हाँ। परमेश्वर को कहें मुझे अपनी आत्मा से भर दे, परमेश्वर को कहूं कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे, अपने हाथों को उठाओ। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका उद्धार नहीं करेगा। उद्धार का मतलब जब आप धरती पर रहते हैं तो छुटकारा, जब आप धरती से चले जाएंगे तो स्वर्ग का जीवन, उसको बोलते हैं उद्धार, हालेलुया, परमेश्वर आपको उद्धार दिलाएगा। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, करें कि परमेश्वर की, परमेश्वर को कहें कि मुझे अपनी आत्मा से भर दे, और दूसरा कहें कि खुदा की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहें। अगर आपके पास आत्मा है तो करें कि आप परमेश्वर के जन हैं। हम रोमियो की किताब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर देखो क्या लिखा, रोमियो की किताब में उसके 8वें अध्याय और 9वें जल्दी से पढ़ेंगे, हाँ। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो आप उसके जन भी नहीं हो, उसके बेटे भी नहीं हो, उसके कुछ नहीं लगते आप, आपके अंदर मसीह का आत्मा होना चाहिए। कह रहा इसका मतलब, कह रहा कि आज आपके अंदर कौन है पता है, क्योंकि कोई बिना यीशु मसीह को आत्मा के बिना कोई प्यार नहीं कर सकता, हालेलुया। जिस दिन आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उसका आत्मा आपके अंदर आ गया चर्च, आमीन।
आपके अंदर आप आत्मा पाए हुए लोग हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो आपसे बातें करता है, वो आत्मा आपके अंदर आना चाहता है, आपको प्यार करता है वो। हालेलुया, हालेलुया। करा कि लेकिन करा जिसके अंदर आत्मा नहीं है परमेश्वर का, करा वो परमेश्वर का जन भी नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जिस व्यक्ति ने बैप्टिज्म लिया है उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। करें एक आदमी था और वो यीशु मसीह के पास आया, बड़ा अमीर था, और आकर कहने लगा बोलने लगा, बोलता है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मुझे बता करा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो पैसे वाला था, मानव माल था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी, उसके घर में कलेश था, वो थक गया और यीशु के पास आया, बोलता है करा कि मैं मरने से पहले ऐसा क्या काम करूं कि मुझे उद्धार मिले। और जिस में बोलता है यीशु मसीह ने कहा, करा तूने पढ़ा नहीं बाइबल में, करा कि उद्धार पाने वाले, करा उद्धार किसको मिलेगा, स्वर्ग किसको मिलेगा, करा उसको जो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, करा व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, करा के वो पेड़ों पत्थरों में करा कहीं भी भगवान को नहीं ढूंढता, करा के सुन रहे हो, करा के आज उद्धार उसको मिलेगा जो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। वो बोल रहा करा परमेश्वर ये तो मैं दादे परदादों से सीखता आया हूं, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरे पास बुद्धि है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, हमें भी पता है कि हम झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, हम ये गलत काम नहीं करते, बोलता ये तो मेरे को पता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा करा फिर भी तेरे अंदर एक कमी है, एक बात की घटी तेरे अंदर है, करे कि आज एक बात की घटी के कारण भी एक व्यक्ति भी स्वर्ग जाने से वंचित रह सकता है। करे कि अगर आपका बच्चा बोलता है कई बार मम्मी मेरा एक नंबर आ जाता तो मुझे मेरिट मिल जाती, मैं एक नंबर से मेरिट में रह गया, पापा मेरा एक नंबर आ जाता मैं मैथ के नंबर में पास हो जाता, मेरा एक नंबर रह गया, मेरा सिलेक्शन आईएएस अफसर में होने से रह गया, एक नंबर के कारण, करा एक बात की घटी के कारण कोई व्यक्ति चूक सकता है अपनी लाइफ के अंदर। करा यहां पर करा आज बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना तो चेले घबरा गए और यीशु मसीह के पास दौड़े दौड़े गए और कहने लगे प्रभु करे कि ऐसे तो गलती हमसे भी हो जाती है, अरे अब हमारा क्या होगा, एक बात की घटी तो हम में भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि एक बात की घटी मुझ में नहीं है, सब में एक ना एक बात की घटी तो सबके अंदर है। चेले रो रहे थे, चेले परेशान थे, कह रहे ऐसे तो उद्धार किसी को नहीं मिलेगा, स्वर्ग किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने कहा करा जिसके साथ खुदा की प्रेजेंस होगी, खुदा की उपस्थिति जिसके साथ होगी, करा उसका उद्धार परमेश्वर उसकी घटी को दूर करेगा। आमीन। आपके अंदर एक बात की घटी होगी। आपको हर संडे यहां पर इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि आप छठे दिन सातवें दिन परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ लेकर जाते हैं अपने घर में। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ जाती है, आपके बिजनेस में जाती है, आपकी कमियों को दूर करती है। आपके अंदर किसी भली वस्तु की घटी होगी तो परमेश्वर कह रहा है मैं संभाल कर रखूंगा अपने लोगों को। हालेलुया। वो डरे हुए थे, यीशु मसीह जब बादलों पर आने से पहले यीशु मसीह अपने लोगों को साइन देना शुरू कर देगा क्योंकि आप प्रेजेंस में हैं। हालेलुया। कह रहा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं यीशु मसीह ने कहा एक जगह, कह रहा है कि मेरे आने से पहले तुम्हें पता लगेगा कि वो कुछ सूख जाएंगे, वो पेड़, वो पत्ते, वो चीजें, कह रहा वो चीजें आपको एक साइन दिया बाइबल के अंदर, कह रहा है कि तुम्हें उस ऋतु में पता लगने लगेगा और समझ जाना कि मेरा आना तय है, बट जल्दी तय है। कुछ उदाहरण दिए बाइबल के अंदर, लेकिन एक जगह ये भी कहा, कह रहा है कि कोई डेट और टाइम नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्यार करता है, आप लोगों के साथ, कह रहा है आत्मा उन लोगों के ऊपर रहता है जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, जो खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे ऊपर आए तो मैं कह रहा हूं कि आज रात करा हाथ उठाकर परमेश्वर से आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। जब आप बाइबल पढ़ते हैं आत्मा से भरते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आत्मा से भरते हैं। आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आत्मा दिला, परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यूहन्ना 3:3 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। इसका मतलब चर्च लोग आते तो हैं, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस किसके साथ रहेगी। कह रहे कि जो नए सिरे से ना जन्मे, आज चर्च आना, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात को फिर वही देखते हैं, आप बैल मुझे मार। हालेलुया। खुदा की प्रेजेंस कहां रहेगी आपके साथ? रात को ऐसे ऐसे नाटक देखते हैं, आहट,
कहां रहेगी खुदा की प्रेजेंस? परमेश्वर की प्रेजेंस ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती, लेकिन बाइबल बोलती है खुदा की प्रेजेंस किन लोगों के साथ रहती है? परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति। याद रखना, कह रहा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अपनी माँ को बोलता है मम्मी मम्मी नहीं नहीं तू मेरे साथ स्कूल में बैठ, क्लास में बैठ, तब पढ़ूंगा। डरता है वो, उसको पता है अपनी माँ की प्रेजेंस की वैल्यू का पता सही है। कह रहा है कि आज बच्चे, कह रहा है जब बच्चे अपनी माँ बाप का साथ मांगते हैं, प्रेजेंस मांगते हैं, यस प्रेजेंस मांगते हैं बच्चे, लेकिन उनको पता है। लेकिन अगर आज आप किसी बीमारी या किसी समस्या में फंस गए हैं तो याद रखना खुदा की प्रेजेंस आपको समस्या में से बाहर निकालने वाली है। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे? आप जहां जाएं परमेश्वर आपके साथ जाए, आप बिजनेस में जाएं, जाएं जाएं के ना यस जाएं। याद रखना जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है उसके नुकसान होने बंद हो जाते हैं, उसमें कर्जे आने बंद हो जाते हैं, उसको परमेश्वर कभी फ्लॉप नहीं होने देता, उसका पैसा नुकसान में नहीं जाने देता। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था 2011 जब मैं चंडीगढ़ में आया, 2012 से ये मेरी प्रेयर थी, और परमेश्वर ने मुझे कहा करा बेटे सुन, करा जहां भी तू जाएगा करे कि मैं आज रात अपना एड्रेस स्वर्ग से चेंज कर तेरे पास आऊंगा, एड्रेस तू होगा मेरा, आमीन, करे मेरी प्रेजेंस तेरे साथ रहेगी, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। मैं जब भी चलता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ 7 स्वर्गदूत चलते हैं और मुझे दिखते हैं। हालेलुया, गप मार रहे हैं। इंसान है हम सोचते हैं ऐसा, लेकिन 7 स्वर्गदूत मेरे साथ रहे। मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर, 13 साल हो गए मुझे सेवकाई के अंदर, और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मुझे हर मुसीबतों से बचाताया, हर नुकसान से बचाताया, हर परिस्थितियों से बदलताया। जिसके लिए बोलता है उसके लिए पूरा होता है। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि आत्मा पाए लोग, कह रहा है कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते, वो बढ़ते चले जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा पहला शमूएल 5:6 में, कह रहा है कि जब शाऊल के ऊपर आत्मा आया, कह रहा शाऊल बोल रहा था परमेश्वर मुझे तेरे आत्मा की जरूरत है। कितने लोग जानना चाहते हैं आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर कैसे आए? आज परमेश्वर का आत्मा आएगा, आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे। चर्च आमीन। कह रहा यहाँ पर परमेश्वर ने उसको तरीका बताया, पहला शमूएल 5:6 में। हाँ देखो क्या लिखा, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नष्ट करने लगा। इसी में पढ़ो, देखो क्या लिखा, 5 को दिखा फटाफट जल्दी से। देखो परमेश्वर ने उसको बताया कि शाऊल को कहा, कह रहा तुझे एक नबियों का दल, भविष्यताओं का दल तुझे मिलेगा, और ऊंचे स्थान से उतरता हुआ मिलेगा, और कह रहा कि उनके आगे आगे सितार डफ बांसुरी बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, गीत गाने वाले मिलेंगे, और वे नबुवत करते होंगे तेरे ऊपर। और आगे लिखा क्या लिखा 6 में, कह रहा कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर, क्या होकर, चेंज होकर, और ही मनुष्य हो जाएगा आज के बाद। हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कह रहा है खुदा की प्रेजेंस कहाँ है? जब आप चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, सुनते हैं, ये तबला, ये जब सार सारंगी बजती है, जब आप ताड़ियां बजाते हैं, आपके पास 10 उंगलियों वाली सारंगी है, आप जब बजाते हैं इसको, तारीफ करते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर आ चुकी आज। आमीन। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा। आप एक नबी के पास आए हैं, एक नबी के झुंड के पास आए हैं। उसने कहा शाऊल तू क्या करता है? कह रहा मैं भेड़ बकरियां चगाता हूँ। कहता कि आज हो सकता है आपसे पूछ रहा हूँ परमेश्वर तू क्या करता है? आप कहेंगे मैं यूपी में दिहाड़ी करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, मैं खेत में काम करता हूँ। लेकिन उसने कहा जा नबी की संगति कर, कह रहा जा नबी की संगति कर, प्रॉफिट की संगति कर, करा वहां पर गीत गा रहे होंगे और एक प्रॉफिट वहां भविष्यवाणी कर रहा होगा। हाँ ये आदमी जीरो होगा अमित, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 50 करोड़ का मालिक होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं क्या कर रहा हूँ उसी समय, कह रहा कि जब वहां पर आत्मा उतरेगा और कह रहा कि तू परिवर्तित होगा, इसका मतलब जब तू अंदर से चेंज होगा, नए जन्म से, कह रहा नए सिरे से जन्मेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तू नए सिरे से जन्मेगा कब, तब तेरा उद्धार होगा। इसलिए शाऊल को पहले से पता था
कह रहा मुझे नए सिरे से परमेश्वर से आशीष लेने के लिए आज मुझे अपने फैसले को चेंज करना पड़ेगा, आज मुझे अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। उसने कहा जब तू परिवर्तित हो जाएगा, आप जो सोच रहे हैं नेगेटिव बात उससे आप चेंज हो जाओ। कह रहा और तू कह रहा कि पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा। याद रखना यह भविष्यवाणी है, अगर आप चाय बेचते हैं कल तुम फैक्ट्री के मालिक हो जाओगे, तुम और ही मनुष्य हो जाओगे, तुम्हारे बेटे बेटियां और ही मनुष्य हो जाएंगे। करा तुम पहले से ऐसे नहीं रहोगे, चमक जाओगे चर्च, लेकिन आत्मा आज रात यहाँ से उतरेगा, एक एक के हाथ को छुएगा। आमीन। ये भविष्यवाणी आपके लिए, उन लोगों के लिए जो चर्च में आते हैं। कह रहा है क्योंकि आपको पता लग चुका है कि परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है। हर संडे चर्च क्यों बुलाया जाता है चर्च के अंदर? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस आप लेकर जाते हैं, क्योंकि नबूवत के पास आते हैं आप। कह रहा है कि आज से कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं लौटने वाला। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के लिए मांग लो आज। बोलो कि आज परमेश्वर मुझे आज आत्मा दे दे। आज मैं पहले जैसा ना रहा हूँ। आज परमेश्वर का आत्मा जब आएगा आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। मरियम के ऊपर जब आत्मा आया, मरियम के ऊपर जब आत्मा आया और उसी समय वो उसी स्थान पर नहीं रही और पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया परमेश्वर ने उसको। उसने कहा जहाँ भी, कह रहे हैं कि जहाँ भी मैं जाऊँगा, जहाँ भी मेरे नाम का प्रचार किया जाएगा, मरियम तेरे नाम का भी प्रचार मेरे साथ में किया जाएगा। हालेलुया। याद रखना जब आत्मा आपके ऊपर आएगा आप नबूवत करने लगेंगे। आत्मा जब आपके ऊपर आएगा आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। आत्मा जब आया शाऊल के ऊपर, राजा बन गया शाऊल, राजा बन गया है। याद रखना ये आत्मा आज आपके ऊपर ट्रांसफर होने वाला चर्च। आमीन। क्योंकि करा किसके ऊपर आएगा ये आत्मा, किसके साथ रहना पसंद करेगा परमेश्वर, किसके साथ? इसका मतलब ये करा नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। ये नहीं घर जाके अपने आप को पानी में डुबकी लेके मार लेना, गला घोट के पंखे पे टांग लेना और कहना परमेश्वर नए सिरे से जन्मा दे। नए सिरे से जन्मना के पर हाथ उठा के कहना कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर। मैं आज इसी समय मैं आज फिर से पश्चाताप करता हूँ, जो मैंने अगर कुछ गलत किया है तो आज मुझे नए सिरे से जन्म दे दे आज परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आएगा, उसकी प्रेजेंस आपके बच्चों के साथ रहेगी। जो आपने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में नहीं किया, आज रात के बाद आप करेंगे। आमीन बोलने वाले। आमीन। करा यही है, करा कि आज परमेश्वर चाहता है कि आप चेंज हो जाएं, अपनी आत्मा को चेंज करें, साफ करें। और इसी समय परमेश्वर चाहता है, मरियम उस समय वहां नहीं रही, मरियम आगे बढ़ती चली गई। हो सकता है आज आपका बिजनेस वहीं पर हो, स्टे स्टे आपका बिजनेस। हो सकता है आपके बच्चे काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं हैं। आपका बैंक बैलेंस हो सकता है 5,000 से ज्यादा जुड़ नहीं रहा, 10,000 से ज्यादा जुड़ नहीं रहा, लेकिन आज कह रहा अगर आप क्या कर जा रहे हैं, परमेश्वर मुझे नए सिरे से जन्म लेना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुनो, कह रहा कि आज तेरा बैंक बैलेंस वहीं नहीं खड़ा रहेगा, आज हिलेगा हिलेगा हिलेगा। तेरे बच्चे कह रहा, तेरी दुकान, तेरी शॉप, तेरा बिजनेस कह रहा कि आज कह रहा नबूवत है, ये भविष्यवाणी है। कह रहा कि आज कह रहा कि मरियम वहीं नहीं ठहरी रही, तुम वहीं नहीं ठहरे रहोगे, तुम फैलते चलते चले जाओगे। आमीन। फैलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। करा विश्वास करना है, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया आपको, बुधवार को भी मैंने बताया, करा कि उनके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस रहती है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो सबसे ज्यादा प्रेम की भाषा जानता है। हालेलुया। करा अगर तू भविष्यवाणी करे और तू प्रेम ना करे तो ठनठनाता हुआ घड़ियाल। इसका मतलब आप एक अच्छा भविष्यवक्ता, अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन अगर आप प्रेम नहीं करते, परमेश्वर प्रेम करने वालों के पास रहता है। याद रखना मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आपको दूर से भी आई लव यू बोल सकता हूं, आपको फ्लाइंग किस भी करके दिखा सकता हूं, आपसे प्यार करता हूं, सुन रहे हो? लेकिन यही प्यार काफी नहीं है, ये तो आपके घर में भी चलता होगा। ऐसा प्यार नहीं चाहिए परमेश्वर को। कह रहा है प्रेम वो जो कह रहा है कि अपने स्वभाव को बदल दे, प्रेम वो जो दूसरों पर दया दिखाए। कह रहा है प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम सारी बातें सह लेता है। हालेलुया। हालेलुया। सारी बातें सह लेता है प्रेम। कह रहा परमेश्वर कह रहा प्रेजेंस में आऊंगा, उसके साथ आऊंगा जिसके अंदर प्रेम होगा। दाऊद के अंदर परमेश्वर ने प्रेम को देखा। दाऊद बेशक गुस्से वाला था, लेकिन उसके सामने अगर कोई मसीह के खिलाफ बोलता था, कोई कह रहा कि जन था, लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक दया की भावना थी। मैं कह रहा हूँ मूसा के अंदर एक दया की भावना थी। सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर नंबर वन प्रॉफिट
तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में बहुत सारे ऐसे बातें को देखे सीखे और जाने, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहे, मस्त रहे, प्रभु रहे आप सभी को। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।